में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, यह बात नगर के संजीव कुमार सोनी के पुत्र ऋषभ कुमार सोनी ने एसएससी स्टेनोग्राफर सीएमडी ग्रेड की परीक्षा उत्तीर्ण कर नगर ही नहीं पूरे कोच नगर का नाम रोशन किया है। इस शानदार सफलता के लिए गुरुजन माता पिता के इष्ट मित्रों ने प्रसन्नता व्यक्त कर माला पहनाकर मिठाई खिलाई और खुशी जाहिर की। संजीव कुमार सोनी ने कहा कि हर माता पिता को अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों को मेहनत और लगन से पढ़ाई करनी चाहिए। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष महेंद्र कुमार सोनी लला ने कहा कि छोटी सी जगह में बच्चे पढ़ लिख कर होनहार बन रहे हैं, समाज के लिए बड़े गौरव की बात है। ऋषभ ने बताया कि जो छात्र छात्राएं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वह ईमानदारी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करें, सफलता एक दिन अवश्य ही मिलेगी। संवाददाता संतोष सोनी की रिपोर्ट। आपके बच्चे का एक सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हुआ है, आप क्या कहना चाहोगे इसमें? यही कहना चाहेंगे कि बच्चों को पढ़ाई पढ़नी चाहिए और मेहनत से पढ़नी चाहिए और हर माँ बाप को जो है बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, यही कहना चाहेंगे। आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, आप किस तरीके से अपनी खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी तो हर माँ बाप को होगी, और ऐसे सिलेक्शन इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारे सारे समाज को बहुत गर्व है, बहुत प्रसन्नता है। नगर में एक बच्चे का सरकारी जॉब लगी है, सिलेक्शन हुआ है, क्या कहना चाहोगे आप? एक कोचनगर के लिए गौरव का विषय है, गौरव की बात है, और सोलकार समाज के लिए अति गौरव की बात है कि छोटे से नगर से आकर बच्चे इतने होनहार निकल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंच रहे हैं, इसके लिए सोनी समाज को बहुत गौरवान्वित होने की वो है। आपका क्या नाम है और आपने कौन सी परीक्षा पास की है? मेरा नाम ऋषभ सोनी है, मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 की परीक्षा पास की है। इसमें दो चरण होते हैं, टायर वन और टायर टू। टायर टू जो स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट आता है जिसमें मैंने क्वालिफाई करा है। तो अब आपकी किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा? मेरा डीओपीटी विभाग में स्टेनोग्राफर के पद पर चयन हुआ है। आपने कौन सी पढ़ाई की है? इसके लिए एसएससी की पढ़ाई करनी होती है, एसएससी का जो बेसिक सिलेबस है उसको कंप्लीट करना होता है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो ये दोनों एग्जाम देने के लिए। और स्टेनोग्राफी का एक स्किल टेस्ट होता है जिसके लिए स्टेनोग्राफी लैंग्वेज सीखनी होती है, उसको सीखने में करीब एक साल का समय लगता है, वो भी मैंने सीखा है। अब आप जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी फिर आप क्या कहना चाहोगे अपने समकक्ष जो छात्र छात्राएं हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि वैकेंसीज भले ही कम हैं जिसके कारण बहुत लोगों का सिलेक्शन मेहनत करने के बावजूद भी नहीं हो पाता है, तो वो लोग उम्मीद ना छोड़ें और पढ़ाई अपनी ध्यान से करते रहें, एक ना एक दिन उनको सफलता जरूर मिलेगी। सिलेक्शन हुआ आपका, आप परीक्षा पास की है, तो इसका श्रेय किसको देना चाहोगे आप? इसका श्रेय मैं मुख्य रूप से अपने गुरुजी और अपने परिवार को देना चाहता हूँ। मेरे गुरुजी जो हैं वो मेरे अंग्रेजी के अध्यापक थे, और एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में अंग्रेजी का जो वेटेज है वो बाकी विषयों से ज़्यादा होता है, इसमें अंग्रेजी 100 नंबर की होती है जबकि बाकी जो विषय हैं वो 50 नंबर के होते हैं। तो वो मेरे अंग्रेजी के अध्यापक रहे हैं, और उसके अतिरिक्त भी उन्होंने मुझे जीवन की काफ़ी अच्छी शिक्षा दी है जिसकी वजह से मैं सफल हुआ हूँ। उनका नाम है शिवराम सोनी और वो सारथी जी और गुरुजी के नाम से।